इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे मुल्क में एनआरसी सीएए को लेकर एक आग लगी हुई है और इसी का एक नमूना आप बेलगाम शहर में देख सकते हैं। आज खवातीन का खासकर वुमेन्स अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से यहाँ पर एक इजलास को मुनक्कद किया गया है, जहाँ पर देख सकते हैं कि कसीर तादाद में खवातीन यहाँ पर शरीक हुए हैं। दूर दराज से यहाँ पर खवातीन शिरकत फरमाई है और ये एनआरसी और सीएए को लेकर इन्होंने एहतजाज किया हुआ है। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर औरतें यहाँ पर जमा हुई है। बेलगाम शहर और अतराफ से वो औरतें यहाँ पर जमा हुई है और वो अपना एहतजाज दर्ज कर रही है और सीएए के खिलाफ वो सख्त आवाज़ में एहतजाज अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। देखना ज़रूरी है कि क्या हुकूमत वाकई, आज सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम जल्द उस पर सुनवाई नहीं करेंगे, जबकि पूरे देश में एक निज़ाम धर्म भरम होता नज़र आ रहा है, एक तरह का एक कोहराम मचा हुआ है पूरे देश में। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का कहना कि हम जल्द अभी सुनवाई नहीं करेंगे, ये भी एक शक के दायरे में आता है। अब बेलगाम शहर में इधर एक कसीर तादाद में औरतों ने यहाँ पर शिरकत की हुई है। देख सकते हैं बाहर अंजुमन हॉल के बाहर जो है औरतें बैठी हुई हैं, अंदर अंजुमन हॉल भी पूरा मुकम्मल भरा हुआ है और ये यही साबित करता है कि तकरीबन औरतें ख्वातीन अब घर से बाहर निकल चुकी है और वो इस काले कानून की मजम्मत कर रही है। देखना चाहिए, देखना है कि हुकूमत इस पर क्या संजीदगी से गौर करती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। प्यारी बहनों, जॉइंट एक्शन कमेटी बेलगावी डिस्ट्रिक्ट की जानिब से काले कानून की मुखालिफत एनपीआर एनआरसी सीएए की मुखालिफत में ये जलसा मुनक्कद किया गया है। यूं तो हम आज़ाद हिंदुस्तान एक सेकुलर हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारी आज़ादी को कैद किया गया है। आज हमें बोलने पे पाबंदी है, आज हमें पहनने पे पाबंदी है, आज हमें खाने पे पाबंदी है, आज हमें घर से निकलना है तो पाबंदियाँ हैं। खवातीन के किरदार कैसे थे, हमारे माँ बहनों के किरदार कैसे थे, हमारे माँ बहनें कैसे करते थे, जंग में कैसे लड़ते थे, जंग में नबी का साथ कैसा देते थे। जब बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला तो हाल देखते हैं, अल्लाह के रसूल हैं आपको क्या जख्म हो गए, खून भाग रहा है। बीबी खदीजा रजी अल्लाह कहते हैं, अरे अल्लाह के रसूल क्या हुआ, आपका हाल ये किसने किया। जब अल्लाह के रसूल कहते हैं, मैं जब अल्लाह की इस कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, लोगों को समझा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ कुफ्फारे मक्का ने मार दिया। तब हमारी माँ कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, जो मरहम मैं लगाती हूँ और आप आराम कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये देश हिंदुस्तान नहीं है, ये देश हिंदुस्तान ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। ये देश का नाम भारत है जो बाबा साहब ने इसे दिया है। इंडिया दैट इज भारत एंड भारत दैट इज इंडिया, ये संविधान की शुरुआत है। बाबा साहब कहते हैं ये कोई हिंदुओं का देश नहीं है, कोई सिखों का देश नहीं है, कोई मुसलमानों का देश नहीं है, यहाँ जो रहता है वो भारतीय है, वो पहले भी भारतीय है और आखिर में भी भारतीय है। इसलिए
ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ತಮ್ಸಪ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಇದೆ, ಆಜ್ ಕುಟ್ ತೂಫಾನಿ ಕರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಶಾ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ತರ ಚಲೋ ಆಜ್ ಕುಚ್ ತೂಫಾನಿ ಕರೆಂಗೆ, 370 ಲಾಯೆಂಗೆ, ಚಲೋ ಆಜ್ ತೂಫಾನಿ ಕರೆಂಗೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ಲಾಯೆಂಗೆ, ಚಲೋ ಆಜ್ ತೂಫಾನಿ ಕರೆಂಗೆ, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಕರೆಂಗೆ, ಚಲೋ ಆಜ್ ತೂಫಾನಿ ಕರೆಂಗೆ, ಸಿಎಎ ಲಾಯೆಂಗೆ. ಈ ತರ ಸೋಚ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿರಾ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಓದಿರಾ? ಇವರು ತಲೆಗೆಟ್ಟವರು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿಡಿ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ತಾರೀಖ್ ಪೆ ತಾರೀಖ್, ತಾರೀಖ್ ಪೆ ತಾರೀಖ್, ತಾರೀಖ್ ಪೆ ತಾರೀಖ್ ಅಂತ. ಸಿಎಪಿ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
बहुत बहुत शुक्रिया। On behalf of Joint Action Committee Belgavi District,